क्या आपने कभी चुकंदर का हलवा खाया है? नहीं खाया है तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम बनाएंगे चुकंदर का हलवा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आपका स्वागत है माँ पापा रसोई में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने ले लिया है 1 किलो चुकंदर, शक्कर स्वाद अनुसार, 1 चम्मच घी, फिर थोड़ी सी दूध, फिर थोड़ी सी काजू, फिर हम लेंगे 1 चम्मच घी। घी को हम डाल देंगे फ्राई पैन में, फ्राई पैन गर्म हो गया है, फिर घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं चुकंदर कद्दू किया हुआ को, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि घी अच्छे से सभी तरफ मिक्स हो जाए। फिर बीच में हम थोड़ा सा गहरा कर लेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे जो दूध हम निकाल के रखे थे उसको डाल देंगे। लगभग मैं 1 गिलास का दूध का यूज कर रही हूँ, ये इसमें काफ़ी पानी होता है तो दूध ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे थोड़ी देर, अच्छे से मिक्स करते तक। फिर हम गैस के फ्लेम को भी हाई कर देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए मैं गैस के फ्लेम हाई कर दी हूँ और हम ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे। हटाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध सभी तरफ अच्छे से हो गया है, काफ़ी दूध थोड़ा सा सूख गया है। अब हम इसको कंटिन्यू 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। इस तरह से फ्लेम को हम हाई रखेंगे, इस तरह से चलाएंगे। फिर देखिए ये काफ़ी कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा पानी भी सूख, दूध भी सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार शक्कर, आप चाहे तो मीठा ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस तरह से शक्कर मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, ऐसे ही फिर इसको चला लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये इस तरह से चला लेंगे, बहुत ही शक्कर पानी छोड़ दिया है काफ़ी। अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। मैं सेट करके 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने दे रही हूँ। अब हम इसको थोड़ी देर और चला लेंगे ताकि शक्कर सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए देखिए, अब गैस फ्लेम को मैं हाई रखी हूँ। अब हमको दूध और पानी को सुखाना है, शक्कर जो पानी छोड़ा है उसको, सो कंटिन्यू चलाते हुए पानी को सुखा देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रख देंगे, काफ़ी सूख गया है पानी। अब हम इसको पानी लगभग दूध सूख गया है, लगभग शक्कर का पानी भी छोड़ा था वो भी सूख गया है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट चला लेंगे, इस तरह से मैश करते हुए ताकि चुकंदर अच्छे से मैश हो जाए, ताकि हलवा का टेक्सचर बहुत ही प्यारा आए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काजू। अब मैं थोड़ी सी काजू डाल रही हूँ, आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं या तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। फिर हम डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें किशमिश डाल देंगे। अब मैं इस पर किसमें डाल ली हूँ, आप इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। लगभग हलवा बन के तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसको थाली में सर्व कर देते हैं और इसमें डाल दी हूँ मैं थोड़ा सा खोआ, आप चाहे तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी रहती है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी